हरे कृष्णा राधे राधे। अभी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद हमने नंदोत्सव बनाया, अब आ रही है कृष्ण की छठी। तो आज इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के छठी उत्सव के विषय में चर्चा करेंगे, साथ ही भक्तों के प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। छठी उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के छठवे दिन मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठी उत्सव से भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पूजा का पूरा फल मिलता है। एक बात देखो, जब घर में कोई बच्चा होता है हम तब भी छठी उत्सव मनाते हैं। छठी उत्सव पर भाग्य विधाता ब्रह्मा जी नन्हे शिशु का भाग्य लिखते हैं, साथ ही योग माया की बेमाता के रूप में पूजा होती है। दीवार पर गोबर से बेमाता बनाई जाती है। अगर गोबर उपलब्ध नहीं है तो रोली से बेमाता बनाकर घी या तेल का दीवा जलाएं। बच्चे और माँ को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। बच्चे को नहलाने के बाद काजल लगाया जाता है। पूजा की थाली में रोली, चावल, कलावा, फूल और घी का दीपक जला कर रखना चाहिए और जल का कलश भी भरकर रखना चाहिए। अब हमारे कई है ना बुद्धिजीवी भाई बहन कहते हैं कि कान्हा जी तो स्वयं भाग्य विधाता हैं, फिर ब्रह्मा जी उनका भाग्य कैसे लिखेंगे। देखो, हम किसी भी बहस में नहीं आ रहे, हमें सिर्फ अपने लाला का उत्सव मनाना है। हमारे लिए वो हमारे नन्हे लाला हैं, हमारे बच्चे हैं, तभी तो हम उनसे लाड़ करते हैं, उन्हें ममता करते हैं। और वैसे भी एक बात समझो, कृष्ण प्रेमियों को कृष्ण लीला को याद करके उनके लिए उत्सव मनाने के लिए मौका चाहिए होता है। उनकी हर लीला को हम याद करते हैं और उसी के निमित्त हर कार्य को करने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने छठी उत्सव के दिन ही पूतना का उद्धार किया था। मथुरा में तो बड़ी धूम होती है, दही में हल्दी मिलाकर भक्तों पर छींटे मारे जाते हैं, इसे दही कांधो कहा जाता है। छठी पूजन में व्रत नहीं रखा जाता, उत्सव मनाया जाता है, पूजा करी जाती है। कड़ी चावल का मरहा प्रसाद बनता है, साथ ही पूरी, हलवा, सब्जी आदि भी बनाया जाता है। भक्त तरह तरह के सोहर गीत गाते हैं। माताएं बहने जो ये 6 दिन होते हैं ना, उसमें रोज गीत गाए जाते हैं। कान्हा झूले पले नारे झूलाओ मेरी सखियो, या नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, तरह तरह के सोहर गीत गाए जाते हैं। पहले समय में महिलाओं को बच्चों के जन्म के बाद 5 दिन तक अन्न नहीं दिया जाता था। छठी वाले दिन कच्चा खाना बनता था, रोटी, सब्जी, बेसन से बनी कुछ चीज जैसे कढ़ी और चावल। इस खाने को माँ को खिलाया जाता था और बच्चे को भी चटाया जाता था। लोगों को घर बुलाया जाता था, सोहर गीत गाए जाते हैं, बच्चे का नाम रखा जाता है। सभी बड़े बच्चे के कान में कुछ ना कुछ अच्छी बातें, कोई अच्छी सीख कहते हैं। बच्चे को काला धागा हाथ पैर और कमर में बांधते हैं, जिसे नजरिया कहा जाता है। प्रसाद आस पड़ोस में बांटा जाता है, क्योंकि उत्सव कभी अकेले नहीं बनाया जाता। अब ये तो हो गया जिस तरह एक किसी भी एक सांसारिक बच्चे का छठी मनाई जाए, पर अब हम बना रहे हैं अपने कान्हा जी की छठी। तो उनके छठी उत्सव में क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले उन्हें बढ़िया सुबह पंचामृत से अभिषेक करा के नए पीले वस्त्र धारण करवाओ। हमारे उसमें तो भक्तगण भी पीले वस्त्र ही धारण करते हैं, क्योंकि अपने आप को कान्हा जी की मैया मानकर। फिर कान्हा जी का सुंदर श्रृंगार करो, उन्हें काजल जरूर डालना, कान के पीछे और पैरों के नीचे भी काजल की बिंदी लगाना, कहीं लाला को किसी की नजर ना लग जाए। जिन्होंने इसी साल कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा की हो या उनकी पूजा शुरू की हो, वो कान्हा जी के हाथ पैरों में काले धागे के नजरिया जरूर डाले। बाकी भक्तों की इच्छा है, अगर वो डालना चाहते हैं तो नजरिया डाल सकते हैं, वरना नहीं। फिर कान्हा जी को झूले या पाले में बिठाओ, उनके लिए भजन कीर्तन करो, कान्हा जी के लिए बेमाता बनाओ और उनका पूजन करो, उन्हें घी और गुड़ से भोग लगाओ, रोली से छींटे लगाओ, फिर कान्हा जी को बढ़िया प्रसाद का भोग लगाओ। पूरी पूजा के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहो। इस तरह से कृष्ण बहुत खुश होते हैं। कान्हा जी की छठी पर कड़ी चावल बना के माँ यशोदा के साथ श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है और इस प्रसाद को बांटे जरूर, क्योंकि उत्सव कभी भी अकेले नहीं बनाया जाता। इस दिन भगवान कृष्ण के साथ माँ यशोदा की पूजा जरूर करें।
लोग तो माँ यशोदा के लिए पंचमेवा के लड्डू बनाए जाते हैं, क्योंकि मैया जापे में है, कई जगह बनाए जाते हैं ना वो गोंद वगैरह डाल के बढ़िया मेवा वाले लड्डू, ताकि जो जच्चा है जिनको बालक हुआ है उसको ताकत मिलेगी। तो कई लोगों का भाव इतना बहान होता है वो इस तरह भी मैया की सेवा करते हैं। तो ये सब कुछ भाव की बात है। प्रसाद के बाद वो लड्डू भक्त जब खुद खाते हैं तो उनसे हमारे शरीर की शारीरिक कमजोरी दूर होती है, बहुत ताकत आती है। एक और चीज बताती हूँ, एक मोर पंख घर के मेन दरवाजे पर जरूर लगाएं, बहुत अच्छा होता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। बड़ा सा सुंदर सा मोर पंख लगाना, फिर घर में खुद फर्क देखना। छठी उत्सव में दान का बहुत महत्व है, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये ना करो, जो भी प्रसाद आप घर में बनाओ उसे चाहे थोड़ा सा ही बनाओ बट उसे बांटो जरूर। सिर्फ घर घर में रहकर मत खाना, जैसे अगर ज्यादा नहीं बना सकते तो पड़ोस में बांट दो, एक दो घर ही दे दो, ज्यादा मत दो। बोलो आज लाला की छठी है, तुम भी प्रसाद खाओ। इस तरह खुशी बांट कर बनाओ और ज्यादा आनंद आएगा। कान्हा जी के जन्म से जुड़ी एक कथा भी है, जिसके अनुसार कान्हा जी के जन्म के छठवें दिन पूतना उन्हें ले गई थी और अपना जहरीला दूध पिलाया, पर हमारे प्यारे कान्हा जी ने उनका उद्धार किया और उससे अपने स्वधाम पहुंचाया। कान्हा जी पर आई इस भारी विपदा से यशोदा माता बहुत डर गई। उन्होंने पूरा समय कान्हा जी को अपने आंचल में छुपाए रखा और छठी पूजन करना ही भूल गई। कान्हा जी के जन्म दिवस पर यशोदा माता को याद आया कि उन्होंने कान्हा जी की छठी तो पूजी ही नहीं है, और जब तक छठी नहीं पूजी जाती तब तक हम उत्सव नहीं कर सकते जो जन्मदिन का उत्सव होता है। इसलिए उन्होंने जब कान्हा जी एक साल हो गए तो बहुत बड़ा छठी उत्सव किया। नंद बाबा ने हजारों गौदान की बछड़ों के सहित, तो इसी तरह भक्तों को भी प्रेम भाव से उत्सव मनाना चाहिए। और याद रखो ये सब हम करते हैं कान्हा जी के प्रति अपने प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए। जब हमें खुशी होती है तब हम हर चीज करना चाहते हैं, और वो चीज जिससे कान्हा जी खुश हो, जिससे हमारा प्रेम भी उनके लिए बढ़े। आप नॉर्मल सांसारिक दुनिया में ही देख लो ना, बच्चे का पहला जन्मदिन है, लोग कितनी धूमधाम से बनाते हैं, पार्टी करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, क्या बच्चे को पता होता है? पर माँ बाप अपना प्यार प्रदर्शित करने के लिए सब करते हैं। अगर बच्चा बड़ा हो तो उसे खुश करने के लिए उन सब चीजों का आयोजन करते हैं जो बच्चा चाहता है। अब ये तो एक सांसारिक बच्चा है, तो सोचो कृष्ण तो परम पिता है, उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया, यही एक बहुत बड़ी बात है। फिर उनका कोई उत्सव मनाने का मौका हम कैसे छोड़ सकते हैं? एक बात और सोचो, जब कान्हा जी ने पूतना जैसी राक्षसी को इस दिन उन्हें दूध पिलाने के लिए मुक्ति दे दी, तो क्या जब हम उन्हें पूरे प्रेम और भाव से जिमाएंगे तो क्या वो हमें यूं ही छोड़ देंगे? विचार करो, खुद विचार करो और जवाब दो। अब कुछ भक्तों के प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न आया है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, क्या करूं? देखो जो कुछ भी कर सकते हो वो करो। ज्यादा कुछ नहीं तो कान्हा जी को नई पोशाक धारण करवा दो, सिर्फ घर में ही कावड़ी चावल बना लो। देखो ये प्रेम की बात है, इसमें ज्यादा कम कुछ नहीं होता। हमारे प्रिय तो ऐसे हैं जो प्रेम से खिलाए झूठे बेरों से भी खुश हो जाते हैं, विदुरानी के छिलके बड़ी खुशी से खाते हैं, इसलिए जरूरी आपका भाव है। अगला प्रश्न आया है, कृष्ण छठी उत्सव के बाद क्या राधा अष्टमी के बाद राधा रानी की छठी भी बनाएं? देखो ये भक्तों का भाव है। सांसारिक दुनिया में तो रीत है कि लड़की का छठी उत्सव नहीं बनता, पर भक्त भक्त हैं, उनके लिए राधा रानी कोई आम लड़की नहीं। कई भक्त तो बहुत धूमधाम से राधा रानी का छठी उत्सव मनाते हैं, इसलिए ये पूरी तरह से साधक पर है। अगला प्रश्न आया है, छठी मॉर्निंग में बनाई या इवनिंग में? देखो छठी मॉर्निंग के समय, मतलब समझो 10-11 बजे के इस समय पूजी जाती है, इसे हम सुबह का समय ही कहते हैं। देखो सभी लोगों को आते आते पूजा प्रसाद की तैयारी करते करते ये टाइम हो ही जाता है। अगला प्रश्न है कि छठी पर व्रत भी करें? नहीं, छठी पर उत्सव मनाया जाता है, धूम होती है, व्रत नहीं किया जाता। आप ठाकुर जी के लिए गाना गाइए, उनके लिए भजन कीर्तन करिए, उनके लिए नृत्य करिए, जो कान्हा जी के लिए नाचता है उसे दुनिया के लिए नहीं नाचना पड़ता, याद रखिएगा। एक प्रश्न आया है, पीरियड्स में कान्हा जी की छठी उत्सव कैसे करें?
देखो हमारे और कान्हा जी के बीच में ये पीरियड भी एक बहुत बड़ा रूढ़ा है। पीरियड्स में आप कोई सेवा पूजा भोग बनाना आदि कुछ नहीं कर सकते। घर में कोई और हो तो उनसे सेवा पूजा करवाओ, भोग आदि बनवाओ। अगर घर में कोई भी नहीं हो जो ये काम कर सके तो राधा रानी पर छोड़ दो। यशोदा माता, गौ माता और राधा रानी को अपनी परेशानी बताओ, वो अपने आप पूजा व्यवस्था कर देंगे। आपको अगर कहीं से प्रसाद मिल जाए तो प्रसाद जरूर ले लेना। आप कृष्ण लीला फोन पर सुन सकते हो, उनका नाम जाप कर सकते हो। अगला प्रश्न आया है, छोटे बच्चे को तो 6 महीने तक कुछ नहीं खिलाते, तो कान्हा जी को आप कड़ी चावल कैसे चटा सकते हो? देखो संसारिक रूप में भी देखो तो 6वें दिन माँ को खिलाया जाता है ताकि उसके दूध के साथ बच्चे को वो सब मिल सके जो माँ खा रही है। पर याद रखो हमारे कान्हा जी अलग है। क्या कोई और संसारिक बच्चा है जो गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा सकता है? क्या कोई और संसारिक बच्चा है जो एक राक्षसी का दूध पीकर उसके प्राण ले सकता है? तो हमारे कान्हा जी सबसे अलग है। दूसरी बात, ये उत्सव प्रतीकात्मक रूप में है, मतलब हम वो समय जब कान्हा जी की छठी यशोदा माता ने की थी उस समय को जीना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं। कान्हा जी को बताना चाहते हैं कि अगर हम उस समय वहां नंद भवन में होते तो हम क्या करते, हम कितने खुश होते, हम कितनी धूम मचाते। अगला प्रश्न है, क्या छठी पूजन जरूरी है? अगर छठी नहीं बनाओ तो चलेगा क्या? हे राम, ये क्या प्रश्न है? देखो भक्ति में, प्रेम में, भाव में कुछ भी जरूरी या ना जरूरी नहीं होता। अगर कोई सांसारिक बच्चा है जिसका आप छठी पूजन नहीं करते तो हमारे मन में एक छोटा सा वहम रहता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, हम सही रहे। पर यहाँ हम अपने कान्हा जी की बात कर रहे हैं कि वो खुद सब गलत को सही करने वाले हैं, इसलिए उनके किसी काम में ऐसा नहीं कि करना ही करना पड़ेगा वरना पाप मिलेगा। ये भक्तों का अपना खुद का भाव है, अपना प्रेम है। अगर किसी भी कारण से आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कहीं मंदिर में भंडारे में प्रसाद बन रहा हो तो वहां अपना सहयोग दे दो, मंदिर में कुछ पैसे भेज दो ताकि आपकी सेवा तो लग ही जाएगी ना। पूजा ना करो तो भी घर में कुछ तो खाना बनाओगे ही, तो कड़ी चावल ही बना लो भाई। पूजा मत करो, भोगी लगा दो, कुछ तो फल मिलेगा। बाकी सारी मर्जी आपकी खुद की है, आप किस तरह से करना चाहते हो। अगला प्रश्न है, भादो में तो दही नहीं खाते फिर कड़ी क्यों? देखो अपनी चातुर्य मास वाली वीडियो में भी बताया था, भादो में दही, लस्सी, छाछ, रायता डायरेक्ट नहीं लेते, पर दही की परिवर्तित फॉर्म जैसे कड़ी हो गया, पंचामृत हो गया, इडली के आदि के अंदर जब हम दही डालते हैं तो वो हम ले सकते हैं। एक और चीज, कुछ लोग सावन में कड़ी खाना छोड़ते हैं, वो लोग छठी उत्सव में प्रसाद में बनी कड़ी को खाकर ही वापस खाना शुरू करते हैं। एक अगला प्रश्न है, क्या मंदिर जाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी कुछ भी नहीं है, सब भक्तों की मर्जी और भाव है। अगर मंदिर जा सको तो अच्छा है, नहीं तो घर पर ही बढ़िया पूजा करो, भोग प्रसाद बनाओ। अगला प्रश्न है, क्या सिर्फ भोग में कड़ी चावल ही बनाने हैं? देखो ये भी भक्तों का भाव है और उनकी खुद की इच्छा है। कड़ी चावल तो महाप्रसाद है, जिसे चाहे थोड़ा सा बनाओ पर जरूर बनाकर अर्पित करो। इससे माँ अन्नपूर्णा भी बहुत खुशी होती है, स्त्रियों के खाने का स्वाद बढ़ता है, उनके हाथ में बरकत आती है। बाकी कड़ी चावल के अलावा भक्त पूरी, हलवा, सब्जी आदि अनेकों चीज बनाते हैं। कान्हा जी को बढ़िया माखन मिश्री का भोग भी लगाते हैं। ये सब चीजें भक्तों के अपने भाव की हैं। मैं उम्मीद करती हूँ भक्तों के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखना। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।